खबर पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से है, जहां नरकटियागंज से गोरखपुर, दिल्ली, पटना समेत कई स्थानों पे जाने के लिए भाजपा विधायक रश्मि वर्मा द्वारा सरकारी बसों का शुभारंभ किया जाना था। विधायक ने सोशल मीडिया के माध्यम से नगर वासियों को शुभारंभ की सूचना दी। घटना के पूर्व सरकारी बसें भी पहुंची थी, जो शुभारंभ किए जाने को लेकर हाईस्कूल चौक पे सज धज के तैयार थी, लेकिन एकाएक बस चालक बस को लेकर निकल पड़े। बसों के चले जाने एवं शुभारंभ रद्द होने से नगर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं सरकारी बसों के शुभारंभ रद्द मामलों में भाजपा विधायक रश्मि वर्मा ने बताया कि विकास के कार्य को राजनीति के तहत अवरुद्ध कर दिया गया है, इसके लिए मैं बिहार परिवहन मंत्री से बात करूंगी। वहीं नगर के स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर से सरकारी बसों के शुभारंभ से नगर के लोगों को पटना, दिल्ली जाने के लिए सुविधा होती है, लेकिन ये जो शुभारंभ रद्द हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। जनता परेशान हो रही है और जनता की मांग एवं सम्मान राजनीति के तहत नष्ट किया जा रहा है। ऐसा है, नरकटियागंज की आबादी आज 1,00,000 है और यहाँ पर 4-6 लाइन का जंक्शन है नरकटियागंज। आवागमन में विशेष परिचालन हो रहा है पब्लिक का और बरसों से हम लोग सपना देख रहे हैं कि काश यहाँ स्टेट बस हो जाता तो यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पटना से गंगा मैया से लेकर नरकटियागंज के पवित्र पावन धरती तक लोग आना जाना शुरू करता। पता नहीं क्या हो गया है, किसके साथ किसने क्या किया, ये अनर्थ हुआ है या गलत हुआ है। आम जनता परेशान हो रही है और जनता का सम्मान मान उसको नष्ट किया जा रहा है, धूमिल किया जा रहा है, उसको आवागमन से वंचित किया जा रहा है, ऐसा क्यों? बिल्कुल दिख रहा है, सभी के समझ में आ गई होगी अब तक कि किस लेवल की राजनीति, किस लेवल का खेल इस पूरे एपिसोड में हुआ है। और आगे जनता बहुत समझदार है, उन्हें जो करना है वो है कि पब्लिक नेताओं को चुनने में गलती करती है, प्रतिनिधियों को चुनने में गलती करती है। मैंने बोला है कि कृपया एक बार आपस में राय लें, आपस में समझ के किसको वोट देना है, बहुत समझदारी से अपना वोट कास्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना आज सिर्फ नहीं, हमेशा होती रहती है। कोई अगर विकास का काम मन से करना चाहे तो उसको कोई ना कोई तरीके से उसका नेगेटिव व्यूज़ निकाल के उसको भंडोल करने की कोशिश करता है, जो कि अच्छा नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। इसमें आम जनता का ही माननीय परिवहन मंत्री